भारत और ईरान के बीच हुए एक समझौते से चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। आखिर ये डील क्या है, क्यों चीन और पाकिस्तान हो गए हैं परेशान, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। चीन और पाकिस्तान को बेचैन कर देने वाली खबर आई है। ईरान का चाबहार बंदरगाह अब अगले 10 सालों तक भारत का हो गया है। भारत ने सोमवार को ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह के प्रबंधन के लिए 10 साल के करार पर हस्ताक्षर किया। भारत के इस कदम से न केवल देश को मध्य एशिया के साथ कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी, बल्कि इस कदम को चीन और पाकिस्तान को करारा जवाब भी माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन द्वारा विकसित किए जा रहे ग्वादर बंदरगाह और अब भारत द्वारा संचालित किए जाने वाले चाबहार बंदरगाह के बीच समुद्री मार्ग की दूरी केवल 172 किलोमीटर है और ऐसे कई देश हैं जो चाबहार बंदरगाह का यूज अपने कारोबार के लिए करना चाहते हैं। भारत की ये डील रणनीतिक रूप से काफी अहम है क्योंकि इससे मध्य एशिया तक भारत की राह सीधी और आसान हो जाएगी। अफगानिस्तान, मध्य एशिया और यूरेशिया के साथ भारत के संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जवाब है। चाबहार पारंपरिक सिल्क रोड के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है। चाबहार व्यापार और निवेश के अवसरों के नए रास्ते खोलेगा। दरअसल भारत चाहता है कि चाबहार बंदरगाह अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे में एक प्रमुख केंद्र बने। रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच इस गलियारे का महत्व और बढ़ जाता है। रिपोर्ट की माने तो भारत और ईरान ने पहली बार 2003 में बंदरगाह पर चर्चा शुरू की थी। यह बंदरगाह ओमान की खाड़ी में स्थित है। इसकी सबसे अहम बात यह है कि चाबहार बंदरगाह ईरान का एकमात्र गहरे समुद्र वाला बंदरगाह है जिसकी समुद्र तक सीधी पहुंच है। एक और दिलचस्प बात यह है कि इसे अमेरिकी प्रतिबंधों से भी छूट प्राप्त है जो इसे न केवल भारत के लिए बल्कि अन्य देशों के लिए भी एक महत्वपूर्ण बनाता है। इस बंदरगाह का उपयोग करके अब भारत पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अपना माल सीधे अफगानिस्तान भेज सकता है। अब तक भारत को व्यापार करने के लिए पाकिस्तान से होकर गुजरना पड़ता था, मगर अब इस बंदरगाह से पाकिस्तान को बाईपास कर पश्चिमी और मध्य एशिया तक सीधी पहुंच मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। केदारनाथ में दर्शन करने वाले सारे रिकॉर्ड इस बार टूट सकते हैं। पहले दिनों चार दिनों में ही 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। इस रिपोर्ट को जरा देखिए। केदारनाथ धाम में भक्तों के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। चार दिनों में 1 लाख से ज्यादा भक्त यहां दर्शन को पहुंचे हैं। पिछले साल शुरुआत के चार दिनों में करीब 90,000 भक्त केदारनाथ धाम पहुंचे थे, लेकिन इस साल सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। आस्था पथ से होते हुए भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं। भक्तों की भारी भीड़ के बाद भी दर्शन जारी रखने के लिए प्रशासन जुटा हुआ है। के मुख्य पड़ाव गौरी कुंड में भारी भीड़ है। बड़ी संख्या में भक्त यहां पहुंच रहे हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में दूसरे दिन भी भक्तों की भारी भीड़ है। यमुनोत्री धाम में अभी तक 30,380 भक्तों ने मां यमुना के दर्शन किए हैं, जबकि 26,000
379 लोगों ने गंगोत्री धाम में आकर पूजा अर्चना की। वहीं चारों धाम में उमड़ रही भीड़ की वजह से कई बार जाम की स्थिति भी बन रही है, जिसे पुलिस प्रशासन की टीम खुलवा रही है। वहीं सीएम धामी ने भी चारों धामों में आने वाले श्रद्धालुओं से सभी जानकारी लेकर यात्रा करने की अपील की है, ताकि कोई दिक्कत श्रद्धालुओं को ना हो। सोमवार से आदि कैलाश यात्रा की शुरुआत भी हो गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।